हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की, जो कि IBPS के रिक्वायर निकला है। जो पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफिसर, वैकेंसी है 4102 जॉब रहेगा इसका ऑल ओवर इंडिया। तो इसके साथ साथ जान लेते हैं इसका क्वालिफाई क्या रहेगा। अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आप BA, BSc और BCom में कंप्लीट किए आपको ग्रेजुएशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री के जो कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ एज लिमिट के बात करें तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके साथ साथ आपको जो एज लिमिट के बात करें तो यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। और सैलरी रहेगा यहाँ पे 14,000 to 25,000 पर मंथ। इसके साथ साथ देख लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या करते हो, तो उसके बाद आप लोगों को एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर इस एग्ज़ाम में अगर पास करते हो, उसके बाद आपको एक मेन एग्ज़ाम देना होगा। मेन एग्ज़ाम के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो अप्लाई डेट जो है यहाँ पे 14 अगस्त 2018 से शुरू होगा एंड क्लोजिंग डेट है 4 सितंबर 2018 तक। ये था ऑनलाइन में अप्लाई करने के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन मोड, तो मैं इसका जो एप्लीकेशन का जो कि लिंक है मैं नीचे दे दूंगा। इसके साथ साथ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आप लोगों को अगर पढ़ना है तो मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो कि एप्लीकेशन फीस है, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो जनरल और ओबीसी वालों जो लोग हैं कैंडिडेट, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए हमें 600 रुपीज़ देना होगा। और SC ST के लिए 100 रुपीज़ के एक ड्राफ्ट करना होगा या एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। तो ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये था IBPS के रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए और शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।